हमारे यहाँ हर साल जैसा कि अभी 2-3 साल कोरोना काल करके हमने थोड़ा सा ये प्रतिबंध लगा था सरकार की तरफ से, तो अब जैसे ये खुला है तो हमारी एक यहाँ की जो शक्तिपीठ हाटेश्वरी माता है, इसके जो हम कमेटी मेंबर जब फैसला लेते हैं तो लोग बड़ा भाई साथ देते हैं। यहाँ जो भी हम प्रबंध करते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जितना भी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये लोगों द्वारा ही दिया हुआ दान उसको ही हम लगाते हैं। फैमिली, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक है। और देखिए आज हम जा रहे हैं हाटेश्वरी माता के मंदिर में और आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं। और हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में मंदिर के पास। और आसपास देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये नहर के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं, ये नहर है बग्गी वाली। तो ये रहा मंदिर का गेट। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं माता के मंदिर में और ये रहा मंदिर का मेन गेट। अब हम लोग सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं क्योंकि आज हम बहुत दिनों के बाद हाटेश्वरी माता के मंदिर में आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने जैसे नीचे की तरफ से आ रहे थे तो रोड वगैरह भी काफ़ी चौड़ा कर दिया हुआ है और काफ़ी स्पेशियस हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर साफ़ सफाई सारी चीज़ें। और मंदिर के आसपास छोटे छोटे स्टॉल भी सजे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बाहर पढ़ा, काफ़ी बड़ा बोर्ड उसमें लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पर है विशाल भंडारा और हमें नहीं पता था इस चीज़ का। तो शायद ये जो साजो सज्जा यहाँ पर हुई है उसी चीज़ को लेकर के ही हुई है। और काफ़ी खूबसूरती के साथ मंदिर के आसपास का एरिया बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। ये देखिए ये आसपास का स्पेस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो शूज़ यहाँ पर उतार लेते हैं, फिर मैं आपको अंदर साथ में लेके चलती हूँ। ये है मेन जो गेट है मंदिर का, वहाँ पे यहाँ से हम आपको लेके जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और धूप वगैरह के लिए जो प्रोविज़न इस बार यहाँ पे रखा हुआ है अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुआं इकट्ठा हो जाता था इस वजह से बाहर यहाँ पर आप धूप वगैरह जला सकते हैं। और हम लोगों ने भी यहीं पर ही धूप जलाई और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मंदिर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आगे की तरफ। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, ये है मेन एंट्रेंस के लिए। फिर यहाँ से अंदर होते हुए अब दोनों को रुकना पड़ेगा बाहर क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आप लेदर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते, है ना। तो अब दोनों ने बता दिया, अब दोनों बैग के साथ मेरा बाहर वेट करेगा और मैं आपको लेके जा रही हूँ अंदर। और ये देखिए अब हम पहुँच गए मंदिर के अंदर जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सजा हुआ है। और ये है माता जी का दरबार, तो आप यहाँ से दर्शन कीजिए माता जी के। लेते हैं परिक्रमा और यहाँ पर पाठ के लिए बिठाए हुए हैं यहाँ पर पंडित जी, लेकिन इस साइड से रास्ता बंद है तो इस तरफ से हम लोग नहीं जा सकते। जहाँ पर काफ़ी बड़ा पीपल का वृक्ष है उस तरफ लॉक लगाया हुआ है तो उस तरफ हम लोग नहीं जा पाएंगे। और परिक्रमा करते हुए मंदिर से बाहर निकलेंगे और यहाँ जो आसपास के जो व्यू है दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे। से निकलेंगे बाहर की तरफ और उस तरफ पाठ के लिए बिठाए हुए हैं तो शायद बाहर से रास्ता हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ा जो पीपल का वृक्ष है, मैंने सोचा कि आपको उनके दर्शन करवा लेती हूँ लेकिन यहाँ हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि लॉक लगा हुआ है। काफ़ी पुराना पीपल का वृक्ष है जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है। और ये है
यहाँ पे हाटिव श्री माता का मंदिर का जो हॉल है जहाँ पर कीर्तन वगैरह किए जाते हैं, मुझे तो खैर आइडिया नहीं था। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर विशाल भंडारा और साथ में यहाँ पर पाठी रखे हुए हैं उन्होंने, जो कि अंदर पाठ कर रहे थे, और उस तरफ लॉक था, इस वजह से मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाई। लेकिन फिर भी आप लोग आइए यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिए और साथ में अपना भी सहयोग दीजिए। यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए, काफ़ी सुंदर सा स्टेज भी बना हुआ है। यहाँ पर शादियाँ वगैरह भी होती है और उसके लिए प्रोसीजर जो है वो बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग रूम बुक कर सकते हैं। सराय भी यहाँ पर है और इवन रहना है उसके लिए रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत ही खूबसूरत आज यहाँ पर मंदिर को डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा हॉल था जहाँ पर मैरिज वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती है, और रात को शायद यहाँ पर वो भजन संध्या वगैरह वो होती रही होगी। और यहाँ पर ये काफ़ी बहुत ही सुंदर सा टेंपल है, देखिए ये स्लेट लकड़ी से बना हुआ है और बंद लग रहा है मुझे तो अभी, यहाँ पर क्या है आइडिया नहीं है, बट यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए खूबसूरती देखिए आप यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का और स्लेट का काम यहाँ पर किया गया है, और साथ में मंदिर को भी ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ है। ये भैया ने मुझे बताया कि ये जो मेन जो मूल स्थान यहाँ पर बताया हटेश्वरी माता का है, और तो मैं आगे यहाँ पर एक विंडो खुली हुई है वहाँ से आपको दिखा रही। ये देखिए ये यहाँ पर इन्होंने सजाया हुआ है, और ये देखिए कितना खूबसूरत है, और सारा लिपाई वगैरह की हुई है यहाँ पर और पूजा वगैरह की हुई है अच्छी तरह से। और ये है मूल स्थान माता हाटेश्वरी देवी का, और जो मैंने आपको दिखाया, और कल है एक बार फिर बता रही हूँ, यहाँ पर काफ़ी विशाल भंडारा और जिसका इन्होंने अभी से ही तैयारियां बढ़ चढ़ कर रहे हैं, इसको मंडियाली में बोलते हैं बटलूंग। तो ये यहाँ से लेके जा रहे हैं और जिसका कल भंडारे में यूज़ किया जाएगा इन बर्तनों का। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा बताएंगे कल के भंडारे के बारे में, एक्चुअली हम लोग तो सडन में आए, हमें अभी पता चला है ना। तो ये हमारे यहाँ हर साल, जैसा कि अभी 2-3 साल कोरोना काल करके हमने थोड़ा सा ये प्रतिबंध लगा था सरकार की तरफ से, तो अब जैसे ये खुला है तो हमारी एक यहाँ की जो शक्तिपीठ हाटेश्वरी माता है, इसके जो हम कमेटी मेंबर जब फैसला लेते हैं तो लोग बड़ा भाई साथ देते हैं। यहाँ जो भी हम प्रबंध करते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जितना भी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये लोगों द्वारा ही दिया हुआ दान उसको ही हम लगाते हैं। बाकी माँ की यहाँ जो भी आस्था है लोगों से जुड़ी हुई, हम उसको, हमारी ये सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है, और हमारी ऐसी शक्तिपीठ है इस इलाके की कि इसमें जो है सारा इलाका मतलब माँ के प्रति उदारता से दान देते हैं। और हम उस कमेटी मेंबर जितने भी प्रबंधन समिति है के जो सदस्यगण हैं सभी बैठे हैं, हम सब उसको पाई पाई का हिसाब रखते हैं, और इसमें जितना भी लोगों द्वारा दान दिया हुआ है वो एक ऐसे इसमें प्रयोग करते हैं इसका दुरुपयोग नहीं, और सभी बिला इसके जो है निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, सेल्फलेस होकर के सारी कार सेवा करते हैं बिना किसी, हाँ कार सेवा जो आप होते हैं है ना। तो आप लोग सभी यहाँ लोकल ही हैं? लोकल ही हैं सारे, सब रिटायर्ड पर्सन हैं। ओके ओके ओके, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मिलाया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कार सेवा यहाँ पर करते हैं सेल्फलेस होकर के, किसी भी तरह की इनकी अपनी अपने लिए स्वार्थ की कोई भावना नहीं होती है, और ये रिटायर्ड ऑफिसर्स थे जितने भी जॉब से, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारा ये टाइम है मंदिर की सेवा में और लोगों की सेवा में लगाया जाए, तो ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम। और मैं आपको लेके जा रही हूँ अर्जुन तीर की तरफ, पहले भी आए हैं लेकिन अब जो यहाँ पर चेंज ओवर हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, और आगे ले जा रही हूँ मैं आपको, पैदल चलते हैं, हमने सोचा गाड़ी क्यों लेके जानी है, पैदल चलते हैं आगे की तरफ। ये भंडारे की प्रिपरेशन चल रही है ना, तो यहाँ पर क्या दाल वगैरह की धुलाई वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग सब कार सेवा वाले? ओके, ये देखा जैसा मैंने आपको बोला था कि ये सब सेल्फलेस होकर के काम कर रहे हैं, और आप पानी डाल रहे हैं, तो सेल्फलेस होकर के काम करते हैं।
मिलजुल करके, जैसा कमेटी मेंबर्स ने बताया कि लोग अपना श्रमदान देते हैं और अपना जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देते हैं इस आयोजन को, ये यहाँ पर जो करते हैं उसको सफल बनाने के लिए, और बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, शामियाने लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि भंडारे का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है भंडारा, और ये मैंने आपको दिखाई काफ़ी सारी बटलोई, और यहाँ पर खिलाया जाएगा खाना, यहाँ खाना खिलाया जाएगा ना इस तरफ को। तो दोस्तों, जब भी आप आते हैं तो मंदिर के पास भीड़ ना करें, खाने के लिए आप स्पेशली यहाँ पर इस तरफ आ सकते हैं जहाँ पर बन रहा है काफ़ी बड़ा भंडारा। और यहाँ पर बाहर की तरफ काफ़ी सारे टैप यहाँ पर लग चुके हैं हाथ वगैरह धोने के लिए, इस तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और ये देखिए, ट्रैक्टर भर भर करके लकड़ियाँ यहाँ पर आ रही है। फ्रेंड्स, हम लोग तीर के पास पहुँच गए, जो कि यहाँ पर अर्जुन का तीर उन्होंने स्पेशली इंडिकेट किया था। तो ये देखिए, दोनों तो पहुँच गया पहले ही वहाँ पर, और अभी काफ़ी पत्थर वगैरह सीमेंट से काफ़ी सुसज्जित कर दिया है। लेना अब इसको ऊपर कर दिया, ये नहीं है इतनी का राइट में था, इसको नीचे से जमीन से निकाल के ऊपर लगा दिया इसमें। पहले नीचे था, पहले नीचे था। अच्छा, जो खड़ा होगा फिर ऊपर, तो फिर तीर तो काफी बड़ा होगा, वो कैसे पहुंच गया ऊपर? कलयुग आया तो फिर पत्थर में बदल गई सारी चीजें, नीचे का था। अच्छा, लोगों ने भी इसको डेकोरेट कर दिया, पहले नीचे था ये जो नीचे बनाया हुआ है ना, यहाँ पे इसको गाड़ा हुआ था पहले से, फिर सीमेंट से किया। नो नो, ये देखो आवाज गूंज रही है, नो नो, ये देखो आवाज गूंज रही है यहाँ पर। तो बड़ा डेंजरस सा यहाँ पर माहौल है, काफी मॉन्की वगैरह होते हैं, और जैसे लोकल बोलते हैं ना रात को, क्या बोलते हैं, लेपर्ड भी आते हैं यहाँ पे। और ये आसपास का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, काफी भयानक सा। इवन मॉर्निंग का टाइम है ये, अभी तकरीबन 11:30 हुए होंगे, और आप देखो अंधेरा देखिए। तो ये आगे की तरफ मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ से, ये बड़ा पिक्चर वाला सीन देता है ना, पत्ते की आवाज जो है कड़ कड़ की। तो आगे आगे ले जा रही मैं आपको, डरने की बात नहीं है। और यहाँ नीचे की तरफ ना वो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, फ्रूट वहाँ पे लगे हुए हैं, नीचे तो मैं उतर नहीं पाऊंगी क्योंकि बड़ा डेंजरस सा है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जंगल की होने की वजह से ना काफ़ी भयानक सा यहाँ पर वो आ रहा है, वो हॉरर मूवी वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। लोग वैसे पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं, और कितना आगे जाऊँ मैं, नहीं नहीं बस यही, बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, इधर भी स्टीप है, इधर भी स्टीप है, और नीचे की तरफ भी है, यहाँ पे बीच में ऐसा ऊंचा सा बना हुआ है, इधर उधर दोनों की तरफ, दोनों तरफ जो है नाले हैं यहाँ पर, इधर उधर दोनों तरफ, इधर भी नाला ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है। बड़ा देखो अंधेरा सा लग रहा है ना इस टाइम पे, क्योंकि जंगल है, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ यहाँ पे, पेड़ ही पेड़ हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये पहले आ चुका है यहाँ पर, काफ़ी सारी स्टोरीज इसे बताइए, अभी तो इन्जॉय कर रहा है, क्या खा रहा है ये, प्रसाद वगैरह खा रहा है, बतासे वगैरह खा रहा है ना, देखिए ज़रा बंदे को ये है मेरा नोनो, काफ़ी इच्छा थी इसको तो मैं यहाँ पर ले आई मंदिर में। तो ये है भयानक जंगल। बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और कभी नीचे उतर रहे हैं, कभी स्लाइड कर रहे हैं, काफ़ी मज़े कर रहे हैं। और ये गिर भी है एक बार, मैं कब गिरा, अभी तो गिरा नीचे, क्यों सीटते हुए लेके आई मैं, खुद मारा स्लाइड। हाँ, तो हम बैठे हैं वहाँ पर जहाँ पीछे की तरफ है अर्जुन का तीर, जो काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया नोनो जी ने। और ये आज का छोटा सा ब्लॉग है, तो देखते रहिए महादेव फैमिली, थैंक यू फॉर योर लव, बाय बाय।